शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या आज तक फैक्ट्री में हम 24,000 शर्ट रेडी किए हैं, अपनी नॉर्मल स्पीड से 1,000 शर्ट भी हम रोज बनाएंगे तो 15 दिन में 1,00,000 शर्ट नहीं बनेंगे, चाहे हम कितना ही जोर लगा लें। जोर तो लगाना ही पड़ेगा मिश्रा जी, अगर हम 3 शिफ्ट काम करें और रोज के 5,000 शर्ट बनाएं तो 15 दिन में 75,000 शर्ट बन सकते हैं। लेकिन भर्कर्स को 24 आवर काम करने के लिए समझाएंगे कौन है? और आप तो जानते ही हमारे भर्कर्स को कैसे हैं वो, आप तो देखे हैं ना। इसके अलावा धागा, बटन, खाना वगैरह सब लगेंगे, उसके लिए पैसे कौन देंगे बोलिए है? इसलिए हमने फाइनल थिंकिंग किया है कि बिदानी साहब के पैसे वापस कर देंगे और उनसे पीछे छुड़ा लेंगे। दिस इज ऑल फॉर। लेकिन इतने पैसे उनको देगा कौन? अप्पा। हां इंगा अप्पा अदवी पंडवरे सी स्टार्टिंग भाट। कितने पैसे चाहिए? वैजयंती यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, तुम प्लीज चाय बनाओ। मैं जानती हूँ, कितने पैसे चाहिए? लाखों। अरे अप्पा के लिए 20-30 लाख तो कोई बात ही नहीं है, मामूली सी बात है। हाँ। सी स्टार्टिंग भाट। देखो वैजयंती, ये पागल होने का वक्त बिल्कुल नहीं है। हाँ? अब तुम जाओ प्लीज, कम ऑन। देखिए मिश्रा, मगर तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं नौकरानी हुई नहीं, नौकरानी नहीं हूँ। ये तो मैड लगते हैं, डॉक्टर को बुलाए। देखो वैजयंती, हमने तुम्हें नौकरानी कभी समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा नौकरानी तुमको। अब तुम नीचे जाओ और देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, जाओ। तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम जरा मेरे साथ आओ। यंग कड़वा। हेलो, मैंने आपकी डिलीवरी भेज दी। विजय लक्ष्मी अप्पा यंगे। ठीक है अम्मा। वैजयंती ये फोन बोलो ना, ये बोलो ना अम्मा। अप्पा ये बोलो ना अम्मा। लड़का कौन है? अप्पा आप अंदर चलिए ना, मैं सब बताती हूँ। राहुल ले वा, अंदर आओ ना। वांग अप्पा। Here you are my boy, for a 10 lakh ka check. Thank you, Appa. Thank you. Thank you, sir. Sir, मुझे कौन से papers पे sign करना होगा? Well, not necessary. Paper sign करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आत्मे को देके पैसे देता हूँ। Thank you, sir. Sir, मैं आपके एक-एक पाई लौटा दूँगा। उसका जरूरत नहीं है। But एक शर्त है। तुम वैजयंती को भूल जाओ। तुम्हारा शादी वैजयंती के साथ नहीं कर सकता। अप्पा, लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमारा जात का नहीं है। He is not an ayer. तुम सिर्फ एक ayer चौकरे को शादी करेंगे, understand? अप्पा, लेकिन नहीं, वाया मुड़े। तुमको वैजयंती को शादी नहीं कर सकता है। मिस्टर ayer, मैं आपसे मदद मांगने आया था, अपने प्यार का सौदा करने नहीं। मेरा प्यार बिकाऊ नहीं। Don't be a fool, Rahul. ये पैसा रख लो, इसमें तुम्हारा भलाई है। तुमको वैजयंती को शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अभी इधर से घर से बाहर नहीं जा सकती है। ये आपके और वैजयंती के बीच की बात है। वैजयंती, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अप्पा, मेरी शादी राहुल से क्यों नहीं हो सकती? क्या बुराई है उसमें? बुराई कुछ नहीं है, वो अच्छा छोकरा है, बट लेकिन वो हमारे जात का नहीं है। तुम सिर्फ एक अय्यर चौके शादी करेंगे, अंडरस्टैंड? ये पपार तालुम अय्यरा अय्यरा अय्यरे। अप्पा ना कल्याण पण्ण இருந்தால் ராகுல் தான் பண்ணுவேன். நீ ராகுல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட சொத்துல பைசா கொடுக்க மாட்டேன். உங்க பணம் வேண்டாம், நீங்க என்ன தர்க்க முடியாது. வைஜேஜி, दिन रात एक करने से कुछ नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, एक तो हमारे पास टाइम कम है, दूसरा काम शुरू करने के लिए हमको कम से कम 60-70 हज़ार रुपए चाहिए। 60-70 थाउजेंड। बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए, ये सब कहां से आएंगे? अभी बोलिए। अगर हमारे भरकार 24 घंटे काम करेंगे तो हमको उनको दुगनी चौगनी पगार देनी पड़ेगी, और आज ही पगार का दिन है, पे डे। बोलिए बोलिए, आप सब ये कहां से आएंगे बोलिए? इसके अलावा धागा, सुई, बटन, कच्चा माल, ये बिजली का खर्चा, ये सब कहां से आएंगे? जापान से? राहुल, हमारी तकदीर में जुदाई लिखी है। बात कड़वी है लेकिन राइट बोलती है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। Thank you.
दोनों। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। आज आपकी पगार का दिन है, लेकिन पगार देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं, बल्कि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आपकी मदद चाहिए मुझे। आप लोग शायद जानते हैं कि बिंदानी साहब की 1,00,000 शर्ट्स का ऑर्डर हम लोग वक्त पे पूरा नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा हुआ तो ये फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम लोग दिन में 8 घंटे के बजाय 16 या 20 घंटे काम करें। जो जितना काम कर सकेगा उतना अच्छा होगा, जो नहीं कर पाएगा उससे कोई गिला शिकवा नहीं। इसके लिए मैं आपको 3 गुना ज्यादा पैसे भी दूंगा, लेकिन आज मैं कुछ नहीं दे सकता। आज मेरे पास कुछ नहीं है। पूरे पैसे मैं आपको शर्ट्स की डिलीवरी के बाद ही दे सकता हूं। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो। मुझे भी अजीब लग रहा है, मैं मालिक होकर आपको कुछ देने के बजाय आपसे कुछ मांग रहा हूं। बहुत छोटा लग रहा हूं ना मैं आपके सामने हाथ फैलाते हुए। नहीं साहब, लोग तकलीफ में तो अपनों से मांगते हैं साहब, और आपने हम लोगों से मांगकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। हमें अपना समझा है साहब, बहुत अपना समझा है साहब। मैं आपके लिए 16 घंटे काम करूंगी साहब। हाँ, मैं 20 घंटे काम करूंगी सर। हाँ सर, मैं भी काम करूंगी। मैं भी तैयार हूँ सर। मैं भी तैयार हूँ सर। मैं भी तैयार हूँ सर। मैं भी सर। देखा रहा हूँ साहब, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, सब आपके साथ हैं। ये क्या? सर, आपको पैसों की जरूरत थी ना, ये रख लीजिए, बाद में दे देना। नहीं रोशनी, जिस चीज की जरूरत थी मुझे वो आप लोगों ने मुझे दे दी। आपका साथ, अब मैं दुनिया से लड़ लूंगा। क्यों मिश्रा जी, क्या आपके जापान में ऐसा होता है? नहीं साहब, ऐसा तो ओनली अपने इंडिया में होता है साहब, ओनली अपने इंडिया में। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना। कट जाएगा सफर साथ चलने से, अभी
क्लोज कर दीजिए। देखिए मिश्रा जी, ये माल लेकर आप सीधे बिंदानी साहब के ऑफिस जाइए और माल पहुंचाने के बाद उनका सिग्नेचर इस पेपर पर लीजिए, समझ गए आप? डू नॉट वरी डियर, हम सब जानता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। अरे फिक्र करनी पड़ती है क्योंकि वो बिंदानी मौका ढूंढ रहा है नीलामी करवाने का, तुम उसे नहीं जानते। देखे देखे, हम सब जानता हूँ, आप हमको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए। मेरे घर आइए, आप सब वहीं जा रहे हैं। ओके बाय, हम जाता हूँ आता हूँ। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। नमस्कार, हैपन भाट, बात क्या है? साहब से बात करने का। ए, नीचे उतर, चले बाहर निकाल। ठीक है ठीक है, और अपना लाइसेंस देखा? खुली ना, खुली तो। हाँ चल, यार लाइसेंस देखा, ऐसा निकलो साहब। हैपन भाट, बात क्या है? हमें इंफॉर्मेशन मिली है तुम्हारी गाड़ी में स्मगलिंग का माल जा रहा है। कैसी बात करते हैं सर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारी गाड़ी में तो सिर्फ सर्टिफिकेट है, कमीज, ऐसी कमीज बस। दिखाइए खोल के। दखे दखे, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, हमको जाने दीजिए प्लीज। दिखाते हो या बंद कर? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए खोल के दिखाइए। देखिए देखिए, हम लोग स्मगलिंग नहीं करते हैं, नंबर दो का काम नहीं ना करते हैं, हम लोग सिर्फ ना ओनली शर्ट बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शर्ट बनाते हैं। देखिए इधर भी शर्ट है, इधर भी शर्ट है। अरे चलो लगा। अरे बड़ी सारा दिन कुर्सी लगाएगा क्या? बिंदानी साहब ये सब क्या हो रहा है? नीलामी, अरे तेरे घर और फैक्ट्री जी नीलामी थी दी। लेकिन हमने तो माल आपके ऑफिस भेज दिया है अभी कुछ देर पहले। अरे अरे मैजिस्ट्रेट साहब, ये छोड़ा फिर से झूठ बोल रहा है, ऐसे कुछ महीनों से ये झूठ बोलकर मुझे तो बर्बाद कर दिया, पूरा नुकसान कर दिया मेरा। मैजिस्ट्रेट साहब, हमारी फैक्ट्री से माल निकल चुका है, अब तक तो इनकी ऑफिस में पहुंच भी गया होगा। अरे बाबा, जब माल बना नहीं है तो पहुंचेगा कैसे? अरे अरे भेजा है तो मुखे रसीद तो देखार, रसीद कितने आए? अरे रसीद लाने में आदमी को वक्त लगता है कि नहीं? सब रसीद आ रही है, आ रही। बड़ी मैजिस्ट्रेट साहब, ये फिर से बहाना बना रहा है, अभी बोलेगा कि रसीद भेजा है, फिर बोलेगा कि माल भेजा है, फिर बोलेगा कि माल चल गया, और फिर बोलेगा कि माल चोरी हो गया। राहुल बाबू, राहुल बाबू, हमरे संग बहुत बड़ा चीटिंग हुई है, कुछ गुंडा लोग पुलिस का कपड़ा पहनकर हमको धोखा दिया है, फिर हमारा टेम्पो माल के साथ चोरी करके ले गए। चोरी है? हमने तुमको क्या बोला था? अभी बोलता सारा माल चोरी हो गया। अरे भेड़ा, जब माल बना नहीं था तो चोरी कैसे हो सकता है? बिदनानी, मैं जानता हूँ इसमें तेरी कोई चाल है। मेरी चाल? बड़ी मेरी चाल कैसे है? मजिस्ट्रेट साहब, ये नीलामी नहीं हो सकती, इसमें जरूर उसकी कोई साजिश है। बड़ी नीलामी क्यों नहीं होगी? जस्ट अ मिनट, देखिए भाई साहब, अभी आपके पास 2 घंटे का वक्त है, आप जो कुछ करना चाहें 2 घंटे के अंदर कर सकते हैं, ठीक 12 बजे नीलामी कार्रवाई शुरू कर दीजिए। लेकिन इज राइट, हमें माल कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा। ठीक है बेदानी, 12 बजे से पहले मैं माल लेकर यहाँ पहुँच रहा हूँ। अरे चल चल, बड्डे भाई माल लेकर आएगा, चल हट, चल चल जा। वकील साहब, आप यहीं रुके, मैं आता हूँ। आइए आइए, हम बताता हूँ।